एक्चुअली एक कॉज के लिए हम कर रहे हैं, और जब करण ने बोला कि हमें करना है, और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हम सभी को मिलके ये चीज़ करना करनी चाहिए, और ताकि जितने भी लोग हैं इस कॉज के बारे में अवेयर हों और उससे बहुत कुछ सीखें और रिसर्च करें कि कॉज किस चीज़ के लिए, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये पता होनी चाहिए कि एल्स डिजीज़ बोल के एक डिजीज़ आ गया है। इट्स अबाउट द नमनेस ऑफ योर नर्वस सिस्टम। और ये बर्फ़ जब एक सेकंड के लिए आपके ऊपर गिरता है, तो जो फीलिंग होती है, तो वही फीलिंग होती है इस डिजीज़ में। इट्स दैट्स द सेंसेशन दैट यू गेट। तो मुझे लगता है कि फॉर द अवेयरनेस वी स्टार्टेड ऑफ, और होपफुली आगे भी और करते रहेंगे। एक्चुअली मैं शाहरुख खान का फैन भी हूँ, तो शाहरुख खान को मैं देना चाहता हूँ। देवी ना आप अच्छा, मैं राहुल रॉय को दे देती हूँ। कोई खास वजह? नहीं, एक्चुअली राहुल रॉय की बहुत बड़ी फैन है ये। उन्होंने पहली इसलिए मैं फिल्म राहुल राहुल रॉय रॉय को की देना देखी थी, चाहती हूँ। और उसके बाद आज तक ये उनकी फैन आप है। लोग ये चला ही ब्रेकिंग न्यूज़ में, वो देख ले तो वो मेरे लिए आइस पैकेट बकेट चैलेंज भी कर लेंगे।